आप सभी का नमस्कार। आज इस सभा पर आए हुए हमारे इस देश के युवा एवं प्रभावशाली नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और काफी लोगों ने हमसे पूछा कि 4000 किलोमीटर हम क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा काम पहले हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं किया गया, तो आप क्यों कर रहे हैं। और हमने कहा देखिए, आम तौर से जो ऑपोजिशन की आवाज होती है उसको मीडिया उठाती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑपोजिशन की रक्षा करती है, मगर आज के हिंदुस्तान में आरएसएस ने, बीजेपी ने मीडिया को कैप्चर कर लिया है। सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब पर दबाव डाल रखा है, उनको डरा रखा है। और जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए तो जनता की जो आवाज है उसको उठाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है भारत जोड़ो यात्रा। और जनता के बीच में जाकर उनका हाथ पकड़कर उनकी आवाज उठानी। जब हम चल रहे थे काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले हो, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक चले हो, मगर नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, अरुणाचल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा, नागालैंड, असम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स का क्या होगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ईस्ट वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। सही, इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ईस्ट से वेस्ट अब शुरू की है। अब सवाल था कि कहां से शुरू हो, और मैंने सोचा कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, चाहे वो छोटे हो, उनकी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़े स्टेट जितनी होनी चाहिए। उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी भाषा है, उनका जीने का तरीका है। इन चीजों से हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि नॉर्थ ईस्ट से हम शुरू करेंगे। और क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है, वहां पे सिविल वॉर करवा दी है,
इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मणिपुर में ये यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, के साथ, के अगेंस्ट है, इसलिए हमने मणिपुर में यात्रा शुरू की।